डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्किल पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना। और आपको जैसे कि पता है, हम लोगों ने मैथ को एनसीईआरटी से पढ़ रखा है और एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे बुक को। तो इस एनसीईआरटी बुक में हम लोगों ने पढ़ रहा है चैप्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपके बुक में 7 नंबर चैप्टर में है, इंटीग्रल्स के नाम से, ठीक है। इंटीग्रल्स के नाम से ये 7वें नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन भी कहते हैं। और उस इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि टोटल 7.11 एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज में कन्वर्ट करें तो टोटल 11 एक्सरसाइज है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 7.2 एक्सरसाइज के लिए कुछ थ्योरेटिकल चीजें, क्योंकि हम लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस, सभी थ्योरीज, सभी रूल्स को देखा है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं 7.2 के थ्योरी को, क्योंकि जब तक हम लोग पहले उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज को नहीं देखेंगे, तब तक हम लोग के लिए काम नहीं बनेगा कि आखिर हम लोग चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे इंटीग्रल्स, ये कौन से में है, 7वें चैप्टर में है। अब हम लोग यहां पे पढ़ना शुरू करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के लिए थ्योरी। और इस थ्योरी के सेक्शन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यह एक मेथड है, यह एक करने का विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लिख दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देख लो भाई, इंटीग्रेशन करने का कुछ ना कुछ हम लोगों को मेथड्स भी अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि आप याद करो, क्लास टेंथ में हम लोगों ने रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले, टू वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, उसको वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कई रूल्स, कई मेथड्स पढ़े थे, जिसमें था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ट्वेल्थ में हम लोग मैट्रिक्स मेथड भी सीखा था सॉल्व करने के लिए। हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपने प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्रगुणन विधि, और ट्वेल्थ क्लास में मैट्रिक्स की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों, आपको जानने चाहिए कि इंटीग्रेशन जो हम लोग आज करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आपको एनसीईआरटी की बुक का बात करें तो 7.2 एक्सरसाइज में, 7.2 एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। एक्चुअली इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप इसका फटाफट डेफिनेशन लिख दो, रूल्स लिख दो। भाई आप जान लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिससे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। यानी कि जैसे तुलनात्मक विधि आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, वज्रगुणन विधि पढ़ा होगा, उससे क्या करते हैं हम लोग, तो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का वाई का वैल्यू ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। उसी तरीके से यहां पे आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाया जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, बस आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाया जा सकता है। और आप इसको अच्छे से समझिए, कोई हार्ड नहीं है इसमें, बशर्ते सिवाय इसके कि आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो भी खेल है ना, वो सब डिफरेंशिएशन का खेल है।
चाहे आपने डिफरेंशिएशन के बाद आपने पढ़ रखा हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन आ रहा होगा तभी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो आगे की जो भी चीजें होती है ना, हम लोगों को सभी चीजें डिफरेंशिएशन पे सबमिट होती है, आपको डिफरेंशिएशन ही आपका मेन पॉइंट्स होता है। तो ये बहुत इजी है, हार्ड नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आने चाहिए। अब देखो कई बार क्या होता है ना, आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हुआ कि आप ऐसा कुछ सीखो, देखो सवाल में दोनों ही चीज रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सवाल में दोनों ही चीज रहेगा, कैसे, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो सवाल में ही दिया रहेगा। जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना, अरे भाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहां पे log x भी रहेगा और 1/x भी सवाल में ही रहेगा, समझ रहे हो। अब आपको देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया हुआ है। जैसे मान लिया, ये बहुत इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले दोस्तों, ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, एक क्वेश्चन में आपको दोनों ही चीज दिया रहता है, डिफरेंशिएशन भी दिया रहता है और डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आता है वो भी दिया हुआ रहता है। जैसे अगर हम पूछें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान रहे डिफरेंशिएशन पूछ रहे, इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलेंगे सर कोस एक्स, हम बोले कि बहुत बढ़िया। तो सवाल में अब जो ना साइन एक्स भी रहेगा और कोस एक्स भी रहेगा, ठीक है। तो आपको जो है ना इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि आपको वही चीज ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में करके दिया हो, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दोस्तों sec x इंटू टेन एक्स आपको सवाल में भी दिया रहेगा और sec x भी क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, तो आपको यही चीज ढूंढना है कि किसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया है, ये आपको चुनना है। अगर आप ये चीज चुन लेते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ ले गए। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसा उसको इंटीग्रेशन करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें यूज करना है। जैसे कि यहां पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स के अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन ही डायरेक्टली लिखेंगे। दोस्तों यहां पे कोई रूल नियम नहीं है, बशर्ते हम आपको समझाएंगे और फिर आपको समझना होगा और उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं फिलहाल और ट्राई करते हैं उसको बनाने का। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन है दोस्तों, ठीक है। यहां पे दोस्तों दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर और बट्टा x इंटू डी एक्स, ठीक है। देख रहे हो ना क्वेश्चन क्या है, log x है बट्टा x, log x का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। हम क्या बोले कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक चीज पहचानना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन, किसको टी माना जाए। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना टी मानना होता है, अब टी उसी को मानना होता है जिसका डिफरेंशिएशन करके सवाल में दिया है। आप किसको यहां से टी मानेंगे, तो यहां पे साइड में ना आपको लिखना पड़ेगा लेट लेट log x को हम लोगों ने यहां पे t माने की। अब रहा बात की सब फंक्शन को देखना पड़ता है इसमें कि किसको t मानेंगे तो हम लोगों का काम बनेगा, हम लोगों का काम बनेगा मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन करके सवाल में दिया हुआ रहेगा। तो अगर दोस्तों यहां पे log x को हम लोग क्या मानेंगे, t,
log x को t, ठीक है। तो अगर log x को अगर t मानेंगे तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो d log x जिसको t मानेंगे उसको डिफ्रेंशिएशन करना है, d log x बटा dx, इधर बचेगा dt बटा dx, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x बराबर dt बटा dx, और ये dx नीचे है ना, ऊपर आएगा तो क्या बनेगा 1 बाई x dx, और इधर dt बच जाएगा। देख लो भाई, हम लोग जिसको t मानते हैं उसको क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, यहां पे log x था तो d log x बटा dx, यहां t था तो dt बटा dx, सॉरी यहां पे dx, इस तरीके से log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, और इधर हो गया dt बाय dx, नीचे वाला dx इधर आ गया तो 1 बाय एक्स और dx, और dt का dt बचा रह गया। तो आज से एक चीज और हम लोग सीखेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन करके जो आएगा 1 बाय एक्स, और x के तरफ लिखेंगे dx, और t को लिख देंगे डिफरेंशिएशन dt। जैसे t का क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन 1 और फिर dt का dt, यानी कि t का डिफरेंशिएशन बन जाएगा dt और log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स और dx, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। आप बेसिकली समझो कि क्वेश्चन में उसी को t मानेंगे जिससे हम लोगों का बात बनेगा, और हम लोगों का बात बनेगा का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उस सवाल में उसका वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए। तो देख लीजिए, log x को तो हम लोग t माने, तो log x बाय होल स्क्वायर बटा x का मतलब क्या कि 1 बाय x ना भाई मेरे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय x इंटू dx, नहीं लिख सकते क्या? आराम से लिखा जा सकता है, इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों log x को हम लोग t माने, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप अच्छे से समझो, उसी को t माना जाता है जिससे हम लोगों को आसानी हो सके उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिलेगा उस सवाल में रहना चाहिए, ठीक है, उस सवाल में रहना चाहिए। और आप बार बार ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम करेंगे। ये तो समझ में आ रहा है कि dx इधर क्यों आ गया, दोबारा से नीचे वाला इधर आ जाता है, तो हम डायरेक्टली ही करेंगे। जैसे log x का क्या बनेगा, log x का 1 बाय x, और जिधर x रहेगा उधर dx सटा देना है, जिधर t रहेगा उधर dt सटा देना है। जैसे t का डिफरेंशिएशन 1 होता लेकिन यहां t का dt, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और x का dx, ठीक है। तो आप इन बातों को गौर कीजिए, हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद कैसे करेंगे, log x को हम लोगों ने क्या माना है, log x को हम लोगों ने माना t, तो यहां सिर्फ रख दिया t का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, देख पा रहे हैं ना, log x के जगह पे t रख दिया, t का स्क्वायर इंटू इंटू है। अब भाई इतना के जगह पे देख लो 1 बाई एक्स dx, दिख रहा है, 1 बाई एक्स dx के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, तो यहां रख दिया t स्क्वायर dt, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको आपको दिमाग लगाना होता है, दिमाग लगाकर आप t मानिए, और t मानने के बाद, अच्छा t उसी को मानना है जिससे आपका बात बन सके, ठीक है, t उसी को मानना है जिससे आपको डिफरेंशिएशन करके सवाल में दिया रहे, ठीक है, और आपको सबका वैल्यू फिर पुट करना है। जैसे log x को मैंने माना t, तो t पुट किया तो t का स्क्वायर हो गया 1 बाई एक्स और dx, 1 बाई एक्स और dx का वैल्यू dt हुआ तो dt रख दिया। अब दोस्तों सब जब t t में है, dt के रिस्पेक्ट में इसको t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है,
तो इसका क्या बनेगा, टी का पावर 3/3 + c नहीं बनेगा क्या, टी के पावर 3/3 कहां से, तो रूल होता है कि अगर x के पावर n रहे, इंटीग्रेशन रहे, तो x के पावर n+1 हो जाता है और बट्टा में भी n+1, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में। अरे भाई पहले dx होता था, यहां x रहता था, तो कोई दिक्कत नहीं, अब की बार टी स्क्वायर है, dt है, तो टी के पावर 3/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप इतना आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमको आंसर क्वेश्चन किस में था, एक्स में था, और आप ला दिए हैं आंसर टी में। अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आप टी किसको माने थे, तो टी हम लोगों ने माना था लॉग एक्स को, टी किसको माना था, लॉग एक्स को, तो अब आंसर करेंगे टी के जगह पे आप लॉग एक्स रख दीजिए, उसका पावर 3/3 + c, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, देख पा रहे हैं। चलिए, चूंकि देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन बता दिया जाए तो डोंट एनफ, यानी कि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, और भी क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करेंगे किसको टी माना जाएगा, और ये वाला डब्बा जो है ना, अभी हम लोग ये मिटा रहे हैं, इसको आपको हरेक क्वेश्चन के लिए बनाना होगा दोस्तों, हरेक क्वेश्चन के लिए, ताकि एग्जामिनर देखे तो पता चले कि ये बंदा जो है किसको टी माना है, किसको कैसे किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, 2x/1 + x² × dx, ठीक है, देख लो, ऐसे क्वेश्चन है 2x/1 + x² dx। अब इसको देखते ही पता चल गया तुमको कि किसको टी मानेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन सवाल में दिया रहे। तो देख लो भाई, 1 + x² को अगर टी मानेंगे तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, तो 2x ऊपर दिख रहा है कि नहीं, तो ये तुम्हारा अपना दिमाग होना चाहिए कि किसको टी माना जाए, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर दिए, लेट 1 + x² को मान लिया टी, ठीक है, टी मान लिया, ऐसे आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना टी ही माना जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब यहां पे हम क्या बताए हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन 0 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, लेकिन x के तरफ dx लगाया जाता है, और t का डिफरेंशिएशन, जैसे अकेला x रहता तो x का डिफरेंशिएशन 1, वैसे ही t का डिफरेंशिएशन कितना, 1, लेकिन उसके बाद dt सटा देंगे, या बोले तो आप इसको और भी लंबा ले जा सकते हैं, कैसे, इसको डिफरेंशिएशन किया तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 2x, और इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx, और ये dx इधर आएगा, तो 2x dx = dt। यानी आपको क्या करना है दोस्तों, जिसको हम t मानेंगे उसको t के बराबर करने के बाद डिफरेंशिएशन करना होता है दोनों तरफ, जैसे 1 का 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जिधर x था उधर dx लगा देना है, t का डिफरेंशिएशन 1, जिधर t है उधर 1 dt, 1 लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना। तो अब इसको हम लोग घेर देंगे राइट साइड में, हर क्वेश्चन के लिए ऐसा करेंगे। फिर यहां पे आप देखेंगे तो क्या पता चलेगा, इस सवाल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x dx ऊपर नहीं है, 2x dx, अरे यहां गुना रहता है उसको ऊपर ही ना गुना करते हैं, बट्टा 1 + x², सवाल तो ऐसे दिख रहा है। अब यहां से आपको दिख पा रहा होगा कि 2x dx के जगह पे क्या है, 2x dx के जगह पे dt है, ऊपर रख दिया dt और नीचे 1 + x² को क्या, t माने हुए है, तो t, अब तो आपको उटपटांग नजर आ रहा है भाई, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में नॉलेज है तो आप इसको ऐसे लिख लो ना, 1/t × dt, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ ऐसे, और ऐसे करेंगे तो फॉर्मूला पे आ गया, जैसे 1/x का
इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो यहां पे 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लॉग टी बनेगा प्लस सी। 1 बाई एक्स का हम बताया है डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो यहां 1 बाई टी डीटी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी प्लस सी। लेकिन ये आप आंसर नहीं करेंगे, ये आप आंसर इसलिए नहीं करेंगे ताकि क्वेश्चन आपको एक्स में दिया रहेगा तो आप आंसर टी में कीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। आप जो है टी के जगह पे क्या माने हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आप कर दीजिए लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस टी के जगह पे जो आप माने हैं उसको रख दीजिए, ये हम लोगों का आंसर हो गया फिलहाल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। फिलहाल हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये हम आपको एग्जाम्पल पे सवाल समझा रहे हैं कि आखिर हम चीजों को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो भाई देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन एक्स वाई कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स वाई क्या है, कोस स्क्वायर एक्स और इंटू डीएक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किसको टी मानेंगे। अगर भाई कॉस स्क्वायर एक्स को अगर टी मानेंगे तो टू बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ये तो है नहीं। टेन एक्स को अगर टी मानेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन याद आ रहा होगा सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब आपको सेक स्क्वायर एक्स तो नहीं दिख रहा होगा, भाई सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, कुछ मैथमेटिक्स में आप करो, आप जो है ना आप सोच पा लिए कि टेन एक्स को अगर टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब सेक स्क्वायर लाएंगे कहां से, तो हम लोग फार्मूला पढ़े ना, वन बाई कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो क्यों ना ये नीचे में जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको हम ऊपर भी तो कर सकते हैं। मतलब सवाल ऐसे, टेन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गए सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स तो डीएक्स रहेगा ही रहेगा, यानी यही क्वेश्चन को हम लोग दूसरे रूप में बदल दिए। अब जो है आप आराम से लेट मान लीजिए, लेट टेन एक्स को माना टी, ठीक है। तो अब दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन, जिसको टी मानते हैं, टी मानने के बाद आपको रुकना नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ये पता चल गया कि किसको टी मानेंगे उसके लिए लॉजिक होना चाहिए, अपने मन से कुछ मान लेना ऐसा नहीं है, आपको सोचकर मानना है, उसी को टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उस सवाल में दिया हुआ रहे। ये बहुत टफ चीज होता है और ये आपको सोचना चाहिए। तो टेन एक्स को हम लोगों ने क्या माना, टी, ठीक है। और जब टेन एक्स को अगर टी मानेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, ध्यान रहे जो लेट मानते हैं यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग टेन एक्स को अगर टी माने हैं तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां पे सेक स्क्वायर एक्स, और जिधर डिफरेंशिएशन कर दिए तो एक्स है उधर डीएक्स लगा दिए, और टी का डिफरेंशिएशन वन तो टी का क्या हो गया डीटी, तो इधर हो गया डीटी। अब शॉर्ट में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सब शॉर्ट में कर रहे हैं कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन भाई सेक स्क्वायर एक्स, और जिधर एक्स है उधर डीएक्स, और टी का डिफरेंशिएशन वन, वन नहीं लिखे हुए, टी का हो गया डीटी, ठीक है। तो इसको अब हम लोग घेर दिए, साइड में लिख दिए, उसको साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग सब चीज को पुट करते हैं, टेन एक्स को क्या माना भाई टी, तो इसके जगह पे टी रख दो, और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का वैल्यू कितना आया डीटी, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स दोनों के जगह पे, ध्यान दीजिए दोनों के जगह पे डीटी। अब सवाल देख रहे हैं कितना छोटा बन गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही काम करता है।
अब टी डी टी का डिफरेंशिएशन, तो टी के पावर यहां कितना है वन, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो टी स्क्वायर बटा टी प्लस सी, यानी कि जब एक्स डीएक्स रहता है तो इसका पावर वन मानकर ही ना उसको वन ऐड करते हैं पावर में भी और नीचे भी ऐड करते हैं, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, और ये आंसर नहीं करेंगे क्योंकि फिर टी किसको माने हैं आप, टेन एक्स को, तो यहां आंसर हो जाएगा टेन एक्स का होल स्क्वायर बट्टा में टू प्लस में सी आंसर। ठीक है, तो इन चीजों को देख पा रहे होंगे कि हम लोग सॉल्यूशन कैसे कर पा रहे हैं। अगर आप इन चीजों को बढ़िया से देख पा रहे होंगे ना, तो ये पता चल गया होगा आपको कि 7.2 एक्सरसाइज बिल्कुल हार्ड नहीं है। हार्ड तो बोलना ही नहीं है कभी, क्योंकि ये चीज सोचने समझने की क्षमता पे है। अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो आप बोलेंगे हार्ड है, अगर आप सोच पा लेंगे बोलेंगे आसान है। तो ये हार्ड और बोल सकते हैं आसान, ये कहीं कोई दूसरा चीज नहीं होता है। अब इसमें सब चीज आपका रोल होना चाहिए। अब सोचेगा कौन, कौन सोचेगा, जिसको डिफरेंशिएशन आता रहेगा, जो डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि देख लो यहां सब चीज आपको सपने में सोचना है, सवाल देखना है अच्छे से कि अच्छा इस सवाल को क्या किसको टी मानेंगे ताकि हमें उसका डिफरेंशिएशन सवाल में ही दिख जाए। सोचो ये कितना हार्ड है, लेकिन हार्ड है तो कौन सोचेगा, तुम ही सोचोगे ना यार। अब देख लो इसका कोस स्क्वायर एक्स था, तो अब सीधा सीधी भी नहीं दिखाई दे रहा था, तुम ये मान के चल रहे हो कि ओकर आंसर वा सीधा सीधी दिख जाए, नहीं, कभी कभी चेंज करना पड़ेगा सवाल को, सवाल कुछ दूसरा दिया रहेगा तुमको, चेंज करके सवाल को ऐसा मामला में लाना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन में लाना पड़ेगा कि टी मानने के बाद वो सीधा सीधी दिखे। समझ में आ रहा है? अगर अभी तक दोस्तों समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, डोंट माइंड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग का दिमाग एक तरह ही हो और सब समझ ही जाए, लेकिन अभी भी समझ में आएगा क्योंकि अब हम लोग चलने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन से कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन है और किसको क्या माना जाए ताकि हम लोगों का काम बन सके। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा फ्रेश एकदम स्टार्ट करते हैं आज से एक्सरसाइज 7.2। दैट इज किस पे आधारित है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे वही क्वेश्चन है जो हम अभी बना चुके हैं, इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। दूसरे क्वेश्चन भी बना चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 7.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई, तो इंटीग्रेशन तो करना है। देखो अब सवाल में इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया है, लेकिन आप ऊपर पढ़ेंगे ना तो लिखा हुआ है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37, यानी कि इसमें टोटल 37 गो है, 37 तक है जिसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया है। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे नहीं दिया है, लेकिन लिख न दिया है ऊपर कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना है, तो ऊपर जब इंटीग्रेट लिख दिया तो आप अपने से साइन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक से लेकर 37 तक के क्वेश्चन आप बुक में देखिए तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखा हुआ है, बाकी आगे देख पा रहे होंगे 38-39 में ये सब साइन लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ नहीं बोला, तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो साइन लगा देगा, और अगर बोल दिया इंटीग्रेट तो आपको साइन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ऐसा नहीं सोचे कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, एक में तो इंटीग्रेशन के साइन नहीं है लेकिन ऊपर लिख दिया है कि इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन दे दिए और क्वेश्चन है 1 by x plus x log x into dx। ठीक है, अब तो मामला टफ है यार, किसमें किया क्या जाए, किसको टी माना जाए, क्योंकि उसी को टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को मिलना चाहिए। तो देख लो भाई ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको 1 by
नीचे x और x log x है तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहां कितना बचेगा वन, और प्लस x जब यहां से आप कॉमन लीजिएगा तो यहां क्या बचेगा log x और ऊपर में dx। ठीक है, अब देखिए आपको जो है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ सकता है कि आखिर क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज करने के बाद अगर हम किसी को टी माने तो हम लोगों को सहूलियत मिले, हम लोगों को मदद मिल सके। तो यहां पे हम लोग ऐसा किए ना दोस्त, तो अब हम लोगों को पता चल गया कि अगर वन प्लस लॉग एक्स को अगर टी माना जाए तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, देख पा रहे होंगे ना वन बाय एक्स, और टी तो डी है यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वन का जीरो लॉग एक्स का वन बाय एक्स डी एक्स और बराबर टी के जगह पे डी टी, ये हम लोग साइड में लिख दिए। अब दोस्तों करना क्या है, अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देख लो। तो इंटीग्रेशन वन प्लस लॉग एक्स को हम लोगों ने माना टी, तो ये तो वन प्लस लॉग एक्स नीचे है तो बिल्कुल नीचे ही रहेगा ना, जैसे इसके जगह पे हम लोग टी रख दिए तो वन बाय टी बन गया, वन बटा टी यानी कि टी तो नीचे होगा ना, और वन बाय एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी यानी वन बटा एक्स और इंटू डी एक्स के जगह पे सिर्फ डी टी रखना है, देख रहे हो। अब आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि इतना छोटा सा आप कैसे लिख दे रहे हैं, तो आप ऐसे समझो भाई मिटाई लेते हैं, ऐसे लिख सकते हो क्या इसको वन बाय वन प्लस लॉग एक्स इंटू वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। वन बटा एक्स लॉग एक्स यहां बीच में गुना है तो इसको अलग अलग लिख दिए, गुना में नीचे का नीचे गुना होगा ऊपर डी एक्स है। अब वन बटा हम वही तो समझाना चाह रहे हैं, वन बाय वन प्लस लॉग एक्स नीचे है तो नीचे हम टी डाल देंगे क्योंकि इसको ना टी माने है सिर्फ, और वन बाय एक्स डी एक्स ये पूरा के जगह पे जगह ले लेगा डी टी का। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग समझ पा रहे हो तो ऐसे हम लोगों को मिल रहा है इंटीग्रेशन, और वन प्लस लॉग एक्स को क्या माना है हम लोग टी, तो यहां हो जाएगा हम लोगों का क्या वन बाय टी, और वन बाय एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी। दोस्तों वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स, तो वन बाय टी के जगह पे क्या होगा, वन बाय टी के जगह पे क्या होगा लॉग टी ना, यानी कि वन बाय टी है उसका इंटीग्रेशन है तो यहां हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, क्योंकि सी तो लगाना जरूरी है भाई इंटीग्रेशन में, वो तो पहले ही बता चुके हैं। अब टी के जगह पे कितना लेंगे, तो टी किसको मानना है वन प्लस लॉग एक्स को, तो देख लीजिए लॉग टी है ना तो इसका आंसर होगा लॉग के अंदर, लॉग टी का मतलब लॉग टी, लॉग के अंदर बना होगा वन प्लस लॉग एक्स, ये लॉग टी का रोल निभा दिया, टी के जगह पे रख दिए और फिर प्लस सी को ऐड कर दिए, अब हम लोगों का ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री था आपके आपके क्वेश्चन का, आपके बुक का एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7.2 में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है साइन एक्स इंटू साइन के अंदर कॉस एक्स, देख लो भाई चौथा क्वेश्चन साइन एक्स इंटू साइन के अंदर कॉस एक्स, ठीक है इंटू डीएक्स, यही है ना डीएक्स अपने तरफ से लगाना होता है क्योंकि इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो लगाना तो पड़ेगा ही, ठीक है इंटीग्रेशन जब लगा रहे तो लगाना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अब यहां से किसी को दिख रहा होगा कि अगर साइन एक्स को अगर टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन फट से दिख रहा है कॉस एक्स, तो जी नहीं,
ये कॉसेक्स अलग नहीं है, ये कॉसेक्स साइन के अंदर में है। जैसे आप बोलो, हम बोलेंगे कि साइन 30 डिग्री और डीएक्स रहेगा, दोस्तों साइन 30 डिग्री और डीएक्स रहेगा, तो 30 डिग्री डीएक्स नहीं है, 30 डिग्री इंटू डीएक्स है, ऐसा कहना गलत है। ये साइन 30 के साथ डीएक्स है, 30 के साथ डीएक्स नहीं है। उसी तरीके से आपको समझना चाहिए कि यहां पे साइन साइन के अंदर में कॉसेक्स, इसका मतलब ये हुआ साइन एक्स कॉसेक्स लिखा हुआ है ना ऐसे, और डीएक्स, इसका मतलब ये हुआ कि साइन कॉसेक्स के साथ डीएक्स होगा। कभी जिंदगी में कॉसेक्स डीएक्स ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसलिए हम बता रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सीधा सीधी तो है सर, साइन एक्स को अगर टी मान लिया जाए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक्स और इधर तो डीएक्स हो जाता है और इधर टी का डीटी, और ऐसा करने से हमको कॉसेक्स डीएक्स भी दिख रहा है। तो भाई अंधे हो तुम, ये कॉसेक्स डीएक्स लाइफ में नहीं दिखने वाला है, ये जब भी दिखेगा साइन कॉसेक्स डीएक्स होगा, जो कि तुम्हारा नहीं आ रहा है, ठीक है? ऐसा कहां तुम्हारा दिख रहा है सवाल में? मान लिया तुम ला दिए कॉसेक्स डीएक्स, यहां तक सही है, लेकिन सवाल में तो कॉसेक्स डीएक्स नहीं है, कॉसेक्स डीएक्स सवाल में तो नहीं है, सवाल में तो पूरा ना है, तो आप कहां पे डीटी पुट करेंगे भाई? डीटी कहां पे पुट होगा? सिर्फ कॉसेक्स डीएक्स रहता तब ना डीटी पुट होता, लेकिन यहां पे तो साइन कॉसेक्स डीएक्स है, ऐसा मतलब तुम निकाल रहे हो तो भाई गलत है, क्योंकि ऐसा को हम ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे मान लिया कि साइन 30 डिग्री इंटू अगर 5 रहेगा, तब तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर साइन को अलग कर दिया और 150 साइन अलग चला गया, तो कभी नहीं होता है भाई मेरे, कभी नहीं होता है। ये एंगल है ना, तो हमेशा जिंदगी में ये कभी 30 अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साइन के वो एंगल में हो, ठीक है? तो इसलिए आपका ऐसा सोचना गलत है कि साइन एक्स को टी माना जाए। दूसरी तरफ अब कुछ और सोचना पड़ेगा, तो ऐसा सोच लो कि कॉस एक्स को ही टी मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है। तब तुम बोलेगे सर बड़ा गड़बड़ है यार, कॉस एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आ जाएगा सर, तो दिक्कत है हम लोगों को। हम बोलेंगे कि भाई दिक्कत कुछ नहीं है, चलो तुम मान के तो देखो। तो अब हम लोग इसको आगे मानना शुरू किए, क्या माने? इस क्वेश्चन को देखकर मान दिया लेट कॉसेक्स को टी, कॉसेक्स को क्या मान दिया? टी। तो जब कॉसेक्स को अगर टी माना तो कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीटी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई माइनस साइन एक्स डीएक्स बराबर डीटी तो आया ना, बहुत अच्छा। लेकिन हम लोगों को सिर्फ क्या दिख रहा है? तो साइन एक्स दिख रहा है और इंटू डीएक्स दिख रहा है, क्योंकि साइन एक्स को हम बोल सकते हैं कि डीएक्स के साथ मल्टीपल है, और इसके आगे तो माइनस नहीं है। तो तुम क्या करो, एक और स्टेप ले लो, साइन एक्स डीएक्स के जगह पे इस माइनस को उधर करेंगे तो माइनस डीटी। अब तो सवाल पता चल रहा है, तो माइनस से ज्यादा मतलब नहीं होता है, माइनस को आप उधर भेज दो। तो दोस्तों अब यहां पे देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन, हमने कॉसेक्स को टी माना था और ये कॉसेक्स हमेशा साइन के बाजू में रहने वाला है, तो ये कुल मिलाकर हम लोगों को साइन टी दे दिया, साइन टी, और बाकी ये दोनों के जगह पे साइन एक्स और डीएक्स के जगह पे हम लोग माइनस डीटी पुट कर सकते हैं, तो इंटू हो गया माइनस डीटी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस को आगे कर सकते हैं माइनस साइन टी डीटी। दोस्तों हम लोग सीखे हुए हैं कि माइनस ये नहीं है, एक्चुअली ये माइनस वन है, और ये माइनस क्या है? कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर कर दिए साइन से, तो माइनस बाहर हो गया, तो अंदर में बच गया
साइन टी डी टी, ठीक है। और साइन टी का इंटीग्रेशन, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम सिखाएंगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में, ये माइनस तो ऑलरेडी माइनस है बाहर, लेकिन साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस टी होगा और सी हम लोग अपने तरफ से जोड़ते हैं, तो कुल मिलाकर यहां पे क्या हुआ, तो माइनस माइनस कॉस टी प्लस टी। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं करेंगे क्योंकि टी है अभी तक, जब तक हम उसको एक्स में नहीं करेंगे आंसर तब तक वो सही नहीं होगा। कि सवाल दिया आपको एक्स में और आप आंसर उसको टी में कीजिएगा तो एग्जामिनर पूछेगा ना कि ये तुम टी कहां से टपका दिया, इसलिए इसका आंसर जो होगा टी के जगह पे आप कितना रखिएगा कॉस एक्स, क्योंकि आप कॉस एक्स को टी माने हैं तो टी के जगह पे कॉस एक्स, तो ये वो कॉस पहले से है और टी है, तो इसका आंसर होगा कॉस, कॉस के अंदर फिर से कॉस एक्स और प्लस सी, तो इसका आंसर हुआ कॉस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि आखिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं और उसको कैसे हम लोग टी मानकर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, यानी यहां पे लिखा हुआ है साइन के अंदर में एक्स प्लस बी इंटू कॉस के अंदर में एक्स प्लस बी और इंटू में डी एक्स। अब रहा बात कि किसको माना जाए ताकि उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा होगा, तो दोस्त इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि साइन एक्स प्लस बी को अगर टी माना जाए तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी का चैन रूल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो यहां पे हमको पता चल रहा है कि इसका डिफरेंस टी मानने से ये हमको दिख रहा है, तो लिख लीजिए लेट साइन ए एक्स प्लस बी को मान लिया टी, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस, उसके ब्रैकेट में कितना है एक्स प्लस बी इंटू, चैन रूल क्या बोलता है कि साइन के जो बगल में होता है उससे भी डिफरेंशिएट कीजिए, तो अभी एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट बना किए हैं तब होगा साइन का कोस, लेकिन फिर एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का कितना होगा ए और बी कॉन्स्टेंट तो जीरो और बराबर इधर कितना डी टी। अच्छा एक मिनट, एक्स प्लस बी का हो गया ए और इधर हो गया डी एक्स, क्योंकि एक्स का तरफ डी एक्स लिखते हैं और इधर डी टी। अब रहा बात की सर कोस ए एक्स प्लस बी तो है, डी एक्स भी है, लेकिन ए तो नहीं है, तो हम इसको बना लिए, तो चूंकि आखिर इसको जो डिफरेंशिएशन करके आएगा वही चीज की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं, इसमें तो ए नहीं है, तो हम लोग कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स को एक साथ रखे, ए वाला गुना में था उसको भागा में कर दिए, क्यों कर दिए, ताकि इतना के जगह पे पुट करने में आसानी होगा हम लोगों को, तो इसको हम लोगों ने माना टी। तो जैसे इसको टी माना, अब हम लोगों को सवाल कैसे बन गया, साइन एक्स प्लस बी को टी माना इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के जगह पे क्या हो गया, तो डी टी बट्टा में ए, ठीक है डी टी बट्टा में ए। अब यहां पे देख पा रहोगे कि वन बाय ए को बाहर निकाल लेंगे, तो वन बाय ए को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा टी डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, ए को हम क्यों बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो वन बाय ए को बाहर निकाल लें, तो वन बाय ए जैसे ही बाहर निकल गया
तो अब यहां पे टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो टी का इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर बाय टू और प्लस में सी। इसका मतलब ये हुआ कि टी किसको माने थे हम लोग, साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका हो जाएगा आंसर साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहां पे कि टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का मतलब क्या, साइन ए एक्स बी का होल स्क्वायर ना, तो हम इसको साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी कर दिए, बट्टा में कितना टू है, प्लस में कितना सी। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया, टी में आंसर तो किया नहीं जाता है। अब जरा आंसर देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि आंसर क्या दिया है, थोड़ा सा आंसर मैच हो जाए तो लगता है कि नहीं लोगों को कि हाँ ठीक ठाक है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है दोस्तों। यहां पे हम लोगों का आंसर कुछ इस तरीके से दिया है, तो देख लो भाई आंसर जो है ना कई मायने में दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर ये भी सही है और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात किया जाए ना तो पांचवा के आंसर कितना कितना हो सकता है वो हम बता दे रहे हैं। पांचवा में जो आंसर है ना वो ये भी हो सकता है तो सही है, सब फार्मूला पे ट्रिगो का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसको चेंज किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों को ऐसे भी आंसर आ सकता है माइनस 1/4 ए कॉस 2x प्लस बी, सॉरी ए एक्स प्लस बी, ए भी आंसर आएगा तब पर भी हम लोगों को सही है, कॉस 2x प्लस बी, ऐसे कॉस 2 ए एक्स प्लस बी, ए भी हम लोगों को आएगा ना तो भी सही है। ठीक है, या फिर बात करें तो माइनस 1/a इंटू कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाय टू प्लस सी, ये आएगा, फिर भी हम लोगों का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसी को चेंज करेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे कोस में चेंज करने के लिए, तो ये भी आ सकता है। फिलहाल इतना छोड़ दीजिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भरोसा कीजिए। ठीक है, तो याद रखिए ना हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन में हुआ करता था कि आंसर नहीं आता था ना, फिर उस आंसर को माथा पेची करते 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 फिर उसको मिलाना पड़ता था, सेम वही है। अब इसमें क्या है, अब हम लोगों को तो आंसर ये है, बुक में कुछ इस तरीके का फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस तरीके के फॉर्म को चेंज करने के लिए अब हमको साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तब उतना आएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर मिलाना है तो फार्मूला इसका यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, तो माइनस कॉस टू थीटा ऐसा होता है, माइनस कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस कॉस टू थीटा बाय टू होता है। ठीक है, माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो ऑलरेडी हम लोगों को बन जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, या कर भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, फिलहाल हम लोगों का करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से बनाइएगा तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना,
अक्सर मान लो कि रूट के अंदर जो भी चीजें होती है ना उसी को टी माना जाता है ज्यादातर केस में। आप समझ जाओ सब्स्टिट्यूशन में कि अगर रूट के अंदर जो चीजें होती है, ये हम हमेशा कसम खाने नहीं बोल रहे कि रूट के अंदर वालों को हमेशा टी मान लो आंख बंद कर, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं आपको सोचना समझना भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में हम बोल रहे हैं, मतलब 90% केस में रूट के अंदर वाला को टी माना जाता है ताकि हम लोगों का बात बने। तो यहां पर रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस बी, तो आप क्या मानेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी को मान लिया टी, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, बी का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यहां हो गया डीएक्स। क्यों? क्योंकि एक तरफ एक्स वाला है तो डीएक्स, दूसरी तरफ टी है तो यहां बन गया डीटी। तो कुल मिलाकर यहां पे देख पा रहे होंगे ए डीएक्स बराबर ना डीटी, तो ए डीएक्स तो कहीं नहीं है, तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं डीएक्स बराबर डीटी बटा में ए, ठीक ठाक। अब करो क्या आप सिंपल, रूट के अंदर वाला को हम लोगों ने माना टी, तो यहां हो गया रूट टी, ठीक है, यहां हो गया रूट टी इंटू डीएक्स की जगह पे क्या माना, तो डीटी बटा में ए। दोस्तों 1/a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, 1/a बाहर हो गया। अब इस रूट टी को लिख सकते हैं टी के पावर 1/2 डीटी। अब ये हम लोगों को फार्मूला देता है 1/a तो 1/a रहेगा, टी के पावर 1/2 में 1 जोड़िए तो 3/2, और जितना जोड़ के आता है नीचे भी 3/2 प्लस सी। फिर हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो 3/2 है इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 2/3a, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा और ये 3a, टी के पावर 3/2, तो टी के पावर 3/2 का मतलब टी किसको माने हैं, एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी। तो इतना तक भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं इसका आंसर क्या है भाई, 7.2 ना, 7.2 का क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2/3 एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2, एक्स जो है 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स बाहर है और फिर इनटू में है एक्स प्लस 2, हम जैसे और इनटू डीएक्स, हम जैसा कि बोले आपको कि ज्यादातर केस में आप क्या कीजिए, एक्स प्लस 2 रूट के अंदर है इसको आप टी मान लीजिए, टी मानने के बाद एक्स का इंटीग्रेशन 1 और 2 का इंटीग्रेशन 0 और डीएक्स, जिधर एक्स है डीएक्स, जिधर टी है उधर डीटी, यानी कि यहां पता चला कि डीएक्स बराबर डीटी। अब इसका मतलब ये हुआ कि डीएक्स की जगह पे डीटी रख सकते हैं। दोस्तों जरा एक बात निकालिए कि एक्स प्लस 2 का मान डीटी टी है, तो एक्स के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, टी माइनस 2 रख सकते हैं ना। क्यों रखेंगे टी माइनस 2, क्योंकि यहां प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो किसमें होगा, माइनस में 2, एक्स बराबर हो जाएगा टी माइनस 2। तो अब यहां पे आप वैसे ही चीजों को कर लीजिए, यहां पे सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ता है कि एक्स को हम लोग टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो एक्स को हम लोग क्या कर दिए, यहां पे टी माइनस 2 लिख दिए, इस एक्स के जगह पे टी माइनस 2, फिर रूट अंडर इसको पूरा क्या माने हैं, एक्स प्लस 2 को टी,
इंटू डीएक्स के जगह पे डीटी। दोस्तों अगर आप एक्स को एक्स छोड़ देते तब तो यहां डबल फंक्शन हो जाता, एक्स भी होता और रूट टी भी होता, तो इसीलिए इस एक्स को इससे हम लोग चेंज करके टी में बना लिए। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको तो ऐसा आता होगा कि टी को रूट टी से गुना करेंगे, टी को रूट टी से गुना करेंगे तो टी रूट टी होगा और माइनस टू रूट टी होगा और पूरा का डी टी। ठीक है, अब यहां पे देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन टी रूट टी का मतलब क्या है, टी के पावर यहां वन और यहां वन बाई टू, तो वन और वन बाई टू को मिलाकर कितना हुआ थ्री बाई टू, तो यहां हो जाएगा टी के पावर थ्री बाई टू और माइनस टू का टू छोड़ दिए, रूट टी का मतलब कितना टी के पावर वन बाई टू, ठीक है, और पूरा का डी टी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन जो है टी में ही लाना है और प्लस सी लिख देना है, लेकिन जहां जहां हम टी माने हैं वहां आप क्या रख दीजिएगा एक्स प्लस टू, यानी अभी हम लोगों का ये इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है। आप इसका इंटीग्रेशन तो आराम से कर सकते हैं ना, अब टी के पावर थ्री बाई टू है तो ऊपर भी वन जोड़ दीजिएगा और नीचे भी वन उतना ही लिख दीजिएगा, इसको भी वैसे ही कीजिएगा और जहां टी आएगा वहां पे आपको क्या रखना है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, तो टी के जगह पे आप एक्स प्लस टू रख लीजिएगा और फिर हम लोग आसानी से उस तरीके से कर लेंगे और फिर प्लस सी आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें सोचने वाला बात है कि हम लोग किसको टी मानेंगे तो काम होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें हम अधूरा क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, इसको आप इंटीग्रेट करके और टी के जगह पे ना रख दीजिएगा। इसमें टोटल 39 क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या बोला जा रहा है, एक्स इंटीग्रेशन है एक्स रूट अंडर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर और डी एक्स। सबसे पहला बात कि हम ज्यादातर केस में रूट के अंदर वाला को टी मानते हैं, आप यहां पे क्या कीजिए लेट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, तो वन का तो जीरो और टू एक्स स्क्वायर का कितना होगा फोर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, फोर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहां से देख पा रहे होंगे फोर एक्स डी एक्स बराबर डी टी जो है, यहां से एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सवाल में तो एक्स डी एक्स दिख रहा है फोर तो नहीं दिख रहा है, तो आप यहां से ना एक्स डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा तो डी टी बटा फोर, डी टी बटा फोर। अब आप सब चीज पुट कर लीजिए, यहां पे रूट के अंदर इसको माने टी तो ये हो जाएगा रूट टी इंटू इंटू एक्स डी एक्स गुना में है, इसके जगह पे हम लोग रखेंगे क्या डी टी बाई फोर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो वन बाई फोर कॉन्स्टेंट है, वन बाई फोर बाहर निकाल लेंगे और अंदर में बच जाएगा रूट टी डी टी, तो वन बाई फोर तो ये बाहर ही रहेगा, रूट टी डी टी का आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा टी में आएगा और फिर उस टी के जगह पे आप वन प्लस टू एक्स स्क्वायर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां टी आएगा वहां पे क्या रख दीजिएगा वन प्लस टू एक्स स्क्वायर। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। ये भी अधूरा क्वेश्चन छोड़ दिए हम लोग, आप इसको सही कीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में, साइन ऑफ इंटीग्रेशन फोर एक्स प्लस टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए फोर एक्स प्लस टू दिया हुआ है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है,
कहने का मतलब है कि 4x प्लस टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम क्या बोले हैं कि ज्यादातर केस में रूट के अंदर वाला जो है ना उसको t माना जाता है। अब t मानने का भी फायदा है, तुम सोचो कि अगर इसको t मानेंगे तो डिफ्रेंसिएशन क्या निकलेगा, x स्क्वायर का 2x और इसका 1, यानी कि 2x प्लस 1 निकलेगा और 2x प्लस 1 तो इधर नहीं है, इधर 4x प्लस 1 2 है, तो यहां से अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो 2x प्लस 1 नहीं हो जाएगा क्या, यानी कि यहां पे हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को मान लेंगे t। तो यहां x स्क्वायर का क्या होगा 2x, x का क्या होगा 1 और 1 का तो खत्म कहानी 0 और पूरा का dx इज इक्वल टू 2। अब आप सोचो कि क्या दोस्तों 2x प्लस 1 है कहीं भी सवाल में, तो आपको पता चल रहा होगा कि है लेकिन दूसरे रूप में है। कैसे, क्योंकि इसका हम लोगों को सख्त जरूरत होता है। अब इसी को हम सवाल में क्या कर लिए, 2 कॉमन करेंगे यहां से तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा ना, यहां से भी 2 कॉमन करेंगे, यहां से भी 2 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, अंदर में देख लो भाई 2x प्लस 1 बच रहा है, रूट अंडर उतना ही है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब आप देख पा रहे हो कि 2 तो ऑलरेडी बाहर है, इसकी जगह पे कितना रख सकते हैं, तो पहले रूट का रूट, इसके जगह पे कितना माने रूट टी इंटू 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx के जगह पे सॉरी dt, तो यहां हो गया dt। तो आप देख लियो इसका हम लोग कर लेंगे सिंपल वे में, रूट टी का इंटीग्रेशन, ठीक है रूट टी का इंटीग्रेशन, और जो t में आएगा उस t के जगह पे आप रख दीजिएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक के डिस्कस किया, फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।